हाय यूट्यूब, दिस इज देव एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और फिर से आया हूँ मैं आज अतुल भाई के सेटअप पे। एंड अतुल भाई जो है वो कुछ नई नई चीजें लाते ही रहते हैं। अब की बार क्या है अतुल भाई? ब्लू एंड गोल्ड है ना। चलिए आप सबको दिखाते हैं। मेरी शॉपिंग भी दिखाना तो मैंने भी शॉपिंग करी है। अपने ही सेटअप से शॉपिंग करता रहता हूँ। देखो मैंने ये पेयर एक लिया है सनकोन्यूर का। अच्छा। हेलो, देखो यार अंधेरा है, फ्लैश ऑन कर। अच्छा, इसके अंदर नहीं है वो पेयर? नहीं, अंदर नहीं है पेयर, वो बाहर आ गया। बाहर आ गया वो, मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से कैमरा डाल के दिखाना पड़ेगा। ये रहा ना। हाँ। एक तो ये रहा, दूसरा कहाँ है? दूसरा वहीं ऊपर ही चिपका हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों उधर रहे, दोनों ही उधर है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये पेयर मैंने भाई लिया है और इसमें ब्लू वाला डाल दिया। ये पहले ब्रीड कर चुका है हमारे पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारा ऐसा रहता है ना, मेरी और अतुल की हिसाब भले चाहे पार्टनर कह लो कुछ भी कह लो, पर हमारा ये होता है बर्ड्स का हिसाब अपना भाई खरा। सीधी सी बात है, यारी दोस्ती बिगड़े ना, यारी दोस्ती बनी रहे। अब ये जा रहे हैं हमारे वहाँ एयरपोर्ट वाले सेटअप पे। अब ये परमानेंट वाले जा रहे हैं। चलो बढ़िया भाई। संडे का दिन बड़ा बिजी रहता है, आप सबको पता ही है। देखो अभी आज ना भी नहाया भी नहीं हूँ और मतलब खाना भी एक टाइम खाया है। कोई ना कोई आता ही रहता। कोई नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम दिखाएंगे सबसे अच्छी चीज, सबसे नायाब बर्ड जो हमारे पास फिलहाल है। निकालो भाई। मकाओ और आ रहे हैं यार। हाँ जी, तो ये प्रेजेंट करते हैं बोलीवियन ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। साइज देखो, अभी कितने महीने का बच्चा है ये? हाँ, तो 4-5 महीने का, 4 महीने के आसपास का है। और डीएनए वगैरह है? दूसरा वाला वो 3.5 महीने का आसपास। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये नॉर्मल ब्लू एंड गोल्ड है भाई? हाँ, ये नॉर्मल है। इनका फर्क यही होता है कि डार्क कलर में होता है और इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, ढंग से देखोगे ना तो उसका थोड़ा बड़ा साइज। समझ गया, कलर भी डार्क होगा उसका। मैं थोड़ा दूर से मैं दिखाता हूँ। देखोगे ना, मुंह देखो एक बार इन दोनों का। हाँ, लग जाएगा। इसका मुंह देखो कितना बड़ा है। राइट, और थोड़ा डार्कनेस इसमें ज्यादा है। इसमें येलो और जो भी है थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। हाँ यार, इसकी ये मेरा हाथ है और ये इसका मुंह है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। अब कोई आए तो मतलब ये मुंह खोलता है और डर जाते हैं बंदे, छूते भी नहीं है। खैर चलते हैं, अब आगे दिखाएं। अब अफ्रीकन ग्रे दिखा दें। ये रहा भाई अफ्रीकन। अच्छा, अफ्रीकन ग्रे भाई देखो। ये यहाँ पे मैं अगर निकालूँ तो ये अफ्रीकन ग्रे का मेल है, मोल्टिंग पे था। अभी आ रहे हैं ऊपर, देखो थोड़े। और ये फुल अडल्ट है और इसके देखो गर्दन पर रेड फैक्टर है, देखोगे ना ढंग से। थोड़े बाल भी इसके गए। अच्छा नहीं, अच्छा गए नहीं हुए वो। अच्छा, रेड फैक्टर है। मुझे लग रहा था कि वहाँ के इसके जो है फेदर्स उड़े हुए। नहीं नहीं, फेदर्स आ रहे हैं ना देखो नीचे। हाँ, देखोगे देखो इसे, देखो निकल रहा है। ये प्रॉपर अडल्ट मेल है राइट? हाँ प्रॉपर अडल्ट है, 4.5 साल। नाइस नाइस। अब आगे चलते हैं, चलो फिंचेस दिखा देते हैं भाई। ये हम इनके पास बिशप फिंचेस इन्होंने मंगवाई है। ठीक है, और दिल्ली में ये है नहीं कहीं किसी पे, लेकिन तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें जो है फीमेल जो है फीके कलर की होती है, जो लेफ्ट साइड में बैठी हुई है, देखिए आप। और ना जो मेल है वो येलो ऑरेंज शेड में होता है ये। ठीक है, और इसमें कितने पेयर मंगवाए आपने अतुल भाई? ये 15 पेयर थी, इसमें से 10 पेयर बुक हो चुके हैं, 5 पेयर हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी अपने लिए कुछ रोका है? 2 पेयर और बुक हो गए। अच्छा, कोई लेगा तो 3 पेयर दे देंगे उसको। ठीक है ठीक है, ये अपने घर के बच्चे भी आ रही है भाई। अच्छा अच्छा, अभी हमारे पास अगला जो संडे आ रहा है इसको हमारे पास लॉन्ग टेल फिंचेस भी आ रही है अभी। चलो बढ़िया, ज्यादा नहीं, 1-2 पेयर आ रहे हैं। हाँ, और ये भी टेम्ड है ना सारे? ये सारे टेम्ड है और अपने घर की ब्रीडिंग इनका ड्रेस है, देखो। हाँ भाई, क्या हाल है? यान फिटिंग पे चलते नहीं, अब सेल्फ हो गए। थोड़ा बहुत मतलब लेते होंगे यान फिटिंग? थोड़ा नहीं नहीं, कोई नहीं लेता। चलो बढ़िया, और अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये दिखाओ जंबो फिंचेस और वो ये सब वैसे दे दिए। इधर से दिखाता हूँ, और ये देखो इस मंग, ये दिखाओ नेस्टिंग में। एक में 5-5, 7-7 घुसी हुई होती है। ये है? एक में 10 निकली है। ये सोसाइटी फिंच है। हाँ, ये सोसाइटी फिंच का यही है। आप ये घुस जाते हैं आपस में ना, एक ही नेस्ट बॉक्स में घुस जाते हैं। बाकी यार ये जंबो का ये वाला जो पेड़ है बहुत सुंदर है, देख रहे हो?
ये ट्रस्टेड है, ये अंडे टेकने वाले पेड़ लगे हुए सबके, सबने नेस्टिंग वेस्टिंग की है। ठीक है और बताओ। ये देखो ये 9 मंथ 8 और 9 मंथ के अलग अलग माँ बाप के बच्चे, अफ्रीकन ग्रे, मेल फीमेल कन्फर्म? हाँ मेल फीमेल कन्फर्म, नाइस है, डीएनए के साथ है। यार ये बड़ा शांत है लेकिन, मेल है ना ये? हाँ ये मेल है, बड़ा शांत है यार। मैं इसको निकाल के बैठा हुआ था आराम से चुपचाप। हाँ बहुत प्यारा है, भी टेम्ड है पर वो थोड़ा नखरे करता है, आ जाता। दूसरी वाली फीमेल? हाँ यार। अच्छा आ गई, चलो निकालो। वाह यार ये पियर है, नाइस। हेलो, दोनों टेम्ड है, फुली टेम्ड है। वाह यार, इधर आ, तू इधर आ। क्या हुआ क्या हुआ? ये मतलब बोलना तो अभी सीख जाएंगे ना? नहीं नहीं अभी तो बच्चे हैं, 15 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा बोलना सीखते। अच्छा कितना टाइम लग जाता है? हाँ थोड़ा टाइम लगता है। चलो जाओ, चलो अपने घर में जाओ। चलो चलो चलो। तो भाई ये तो सन का पेयर है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये ब्रीडर पेयर है, चार बच्चे निकाले थे, चार बच्चे दिए थे इसने भी हमारे पास। दिखा रहा था मैं वो इन्हीं के बच्चे। ये किसी को दे रही हूँ ना मेरे ख्याल से? नहीं ये रह रहा है अपने पास ये। अच्छा ये दो पेयर थे, जो एक पेयर मेरे पास जा रहा है। हाँ और एक पेयर जो है वो सेटअप चेंज कर रहे हो, मतलब इधर से उधर कर रहे हो? उधर कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे परमानेंट वाला काम है। अच्छा ठीक है जी। इसके बाद में भाई रखे, ये देखो ये कौन सा है पेयर? ये स्मॉल कोन्यूर का पेयर है। वाह वाह वाह, ये देखिए, गॉड ब्लेस। ग्रीन चिक प्लस पाइनएप्पल, अभी एग्स दे दिए, दो अंडे डाल दिए। चलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं ज्यादा, डिस्टर्ब नहीं करते बिल्कुल। अब आगे दिखाते हैं आपको, देखो इसमें एक पेयर है। ये जो इनकी वीडियोस देखते होंगे ना इनको पता है, कहानी बताओ। ये पेयर एक्चुअली मैं अलीगढ़ से लेके आया था। कई बार क्या होता है देखिए, आप बोलते हो कि हमें ब्रीडर पेयर चाहिए, ठीक है। मैं खुद पर्सनली, मैं और अतुल भाई अलीगढ़ गए थे जब लास्ट टाइम सन को न्यूज लाए थे। ये अंडों पे बैठा था, फर्टाइल अंडों पे बैठा था। इसके अंडे लाके हमने शिफ्ट भी कर दिया अपने पेयर्स के नीचे, बच्चे भी निकले। ये पेयर मेरे पास एयरपोर्ट वाले सेटअप पे रहा तकरीबन 6 महीने, ठीक है। फरवरी से अब तक इसने ब्रीड ही नहीं किया मेरे वहाँ। अच्छा फिर मैंने वहां से जगह चेंज की, यहाँ लाके डाला, तो ये देखो अब नतीजा आपके सामने, अंडा आ गया। पेयर में आपको दिखा देता हूँ, पेयर इधर से देख सकता है कोई? ये रहा, इसमें से कौन सा ये मेल है फीमेल है? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इसके अंदर में फीमेल है। अच्छा अच्छा ठीक है। और येलो साइडेड इसमें मेल है, येलो साइडेड इसमें मेल है, ठीक है। देखो हाई बोलने आ गए कैमरे में, ठीक है चलो। तो कई बार ऐसा होता है भाई कि ब्रीडर पेयर भी जगह पसंद ही नहीं आती उसको, या माहौल नहीं पसंद आता है तो वो जो होती है तो ब्रीड कर जाता है। समझ गया समझ गया, ठीक है जी। चलिए घर के बच्चे, ये हमारे घर के बच्चे हैं, भोगले दो बार अंडे दिए, फर्टाइल थे, अब तीसरी बार नहीं, अभी तीसरी बार एग डालेंगे। एक्चुअली दो बार, एक बार हमसे खराब हुए, एक बार इनसे खराब हुए। नहीं एक बार एक्चुअली मैंने डाले थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी ना, तो ये दोनों ही येलो साइडेड, ब्लू येलो साइडेड है। हाँ 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 मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान। फीमेल के ना पैर में चोट लगी थी तो मैंने सोचा कि फीमेल एक्सपायर ना कर दे, तो मैंने इसको खुद ही हटा दिया था। नहीं सही है सही है, फ्रैक्चर आ गया था उस टाइम, पाँव के अंदर में फीमेल में फ्रैक्चर आ गया था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। अच्छा अंडे बड़ी जल्दी जल्दी रखते, और समझ गया समझ गया। तो पैर के बाद देखिए, अभी एक पेयर हमने यहाँ ब्लू का और एड कर दिया, वहां से यहाँ शिफ्ट किया है। यहाँ पे था सनकोन्यूर का पेयर, वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है। ये विजय को भेज दिया मैंने, ये भी एक एपिक कस्टमर आज का। ये विजय भाई के घर जा रहा है, दिखा सकते हो? देखो हल्का सा दिखा दो, हल्का सा दिखा। ये वाला पेयर जो है ये जा रहा है विजय भाई के पास, ठीक है चलो। ये भी ब्रीड कर चुका है। हाँ। इसने अभी अतुल भाई तीन बच्चे थे, तीन ही बच्चे थे, दो बच्चे इसके मर गए थे, एक बच्चा इसका बचा था, जिसकी अभी मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली थी, सिंगल बच्चे उधर है, वो बच्चा भी वहाँ है, वो भी दिखाई फीमेल निकली। तो अभी इसमें देखो हमने ब्लू येलो साइडेड का ही अच्छा इसमें इसमें जो है और दो सेल हो गया, ठीक है। दोबारा यार ये तो कैसे, ये तो वो है ब्लू का पेयर है तो। अच्छा सॉरी यार ये साइड वाला। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अगला पेयर जो है ये भी ब्लू का ही है, हमारे पास 6 पेयर हो गए हैं कलेक्शन में। अच्छा अच्छा हाँ ये भी आपको दिखाते हैं, देखिए अब ब्लू सीरीज जोड़ रहे हैं।
ब्लू सीरीज जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टर्कोइज ग्रीन चिक का पेयर है। नॉर्मली पाइन एप्पल ग्रीन चिक जो हायर म्यूटेशन पे जा रहे हैं ना, तो उनको हायर म्यूटेशन चाहिए होती है। तो भाई हम कोशिश यही करते हैं हमारे कस्टमर तक यार ब्लू वाले इतनी सीरीज। हाँ, तो ये मैंने मंगवाए हैं अपने ब्रीडिंग के लिए ही मंगवाए काफी सारे। कुछ बच्चे थे मेरे पास, उनको रोक लिया था मैंने। अच्छा, जो कि मेल फीमेल निकले तो कर लिया, किसी पास मेल लिया किसी पास फीमेल लिया, कुछ हमने मंगवाए थे बाहर से भी। तो अगला पेयर है ये भी ब्लू चिक और ब्लू येलो साइडेड के साथ बढ़िया बनाया हुआ है। देखिए ये ब्रीडर पेयर है, ये ब्रीड कर चुका हमारे पास ऑलरेडी। अच्छा नाइस सर, चलो बढ़िया है। इसमें से यार येलो साइडेड की फीमेल है, वो देखना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिया भाई वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको बंद करते हैं। इसके बाद जो अगला पेयर दिखाते हैं आपको वो दे भाई, आप भी देखो जरा, आप बताओ। ये भी भाई इसमें जो है ग्रीन ब्लू ग्रीन चिक और इसमें है ब्लू पाइन एप्पल। ब्लू पाइन एप्पल ठीक है, ये बहुत रेयरली मिलती है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली से बाहर का देखो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में तो बहुत ना के बराबर है ब्लू पाइन एप्पल पे। चलो बढ़िया, ये भी ब्रीडर पेयर है। ठीक है, आज एग्जॉटिक्स ही दिखाएंगे बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब कहाँ चलना है बताओ, कुछ अंडे बच्चे जो भी आते हैं भाई। अच्छा, ये इतने भी अभी ब्रीड की थी, इसके बच्चे होते हैं हमने। ये पाइनएप्पल और येलो साइडेड का पेड़ डाला हुआ है, पहले मैंने बच्चे डाले थे पेड़ पे, ये इसी के पेड़ के थे। ऐसे कैसे कैमरा करके दिखाओ, अभी ये सब इन्हीं पेड़ों के बच्चे हैं जो बड़े हमारे पास, हम टेम्ड हो गए हमारे पास में। देखो कैसे लग रहे, और रेड फैक्टर है, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बच्चा रेड फैक्टर नहीं, सारे टेम सारे टेम। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इस पेड़ का है दे भाई, ठीक है, इसके बच्चे भी हैं उसी में। इसमें येलो साइडेड का मेल है, पाइनएप्पल की फीमेल है इसमें। बढ़िया, ये ग्रे तो हमने दिखा दिया। हाँ, ग्रे आपको दिखाई दिया है पहले। ठीक है, और ये क्या है यार, ये तो मतलब ये तो अल्बिनो कॉकटेल से पैचलेस कॉकटेल, ये तो सोना है, व्हाइट गोल्ड बोल सकते हो आप इनको। हाँ यार, मेरे ख्याल से तो निकल चुके हैं ना, तीन ही पेड़ बचे हुए हैं इसमें खाली, बाकी सारे बुक हो चुके हैं। डीएनए है इनका, सबके डीएनए। वाह यार, और दे भाई इसी में देखो, थोड़ा जूम करके आप अपने व्यूअर्स को दिखाओ, एक ये पैचलेस के अंदर देखिए। हाँ। फाउन फेलो, आप फाउन पाइड भी बोल सकते हैं, ये पेयर ही हमारे पास में पूरा। नाइस सर, ठीक है, तो ये बहुत कम मिलता है दिल्ली में, ये भी बहुत कम है, एक बार तो एल्बिनो आप ढूंढोगे मिल जाएगा। चलो ठीक है, बंद करते हैं। ये भी अवेलेबल है अभी, इसमें तीन पेयर अवेलेबल है अभी। ठीक है, और बताओ। इसके बाद नीचे लॉरिस दिखा सकते हैं आप। अरे लॉरिस दिखाओ यार, इनको कोई कैसे भूल सकता है भाई, लॉरी के बच्चे भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ओहो, देख रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? इस वो तीन पेयर है ना इसमें लॉरी के, ये रेनबो है या फिर सैमसन है? आपको बच्चा लॉरी का फीडिंग दे रखी है इसको, लॉरी का बच्चा भी है, लॉरी का बच्चा भी। नाइस, ये इनकी रीड तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बाहर से लाया है? बाहर से नहीं लिया, ये भी अपना ही पेयर गया हुआ है एक जगह। हाँ। अभी उदय भाई बहुत हैवी पकड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, पकड़ बहुत अच्छी होती है इनकी। मैं पकड़ लूँ? हाँ पकड़ी आराम से। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, देखो कितना सही लग रहा है। अरे अरे देख के बेटा, वो गिरेगा नहीं, लटक जाएगा पर गिरेगा। चलो ठीक है, इसको रख दो। ये जो लॉरीज है, ये रेनबो लॉरीज है, इनके पास तीन पेयर है रेनबो लॉरी के। ठीक है, चार पेयर है इनके पास रेनबो लॉरी के। चलो बढ़िया यार, एक और पेयर मतलब आने वाला, अब नीचे रखा हुआ था इन्होंने। खैर, बाकी एक और पेयर है। ठीक है, इस बार यहाँ पे लुटिनो ऑफलाइन का पेयर है, इसमें येलो लुटिनो बुल इसमें मेल है और रेड आइज में इनकी फीमेल है। चार बच्चे निकले हैं और चारों के चारों, नहीं चार में से तीन मेरे ख्याल से ब्लैक आई है और एक रेड आई है। तीन ब्लैक आई और एक रेड आई, एक रेड आई है भाई। ये देखो पेयर, देख लो पेयर में भी अच्छा, चारों बच्चे बुक है और इसमें से देखो भाई, इसमें जो है एक रेड आई है और एक ब्लैक आई है, आपको वैसे दिखेगा नहीं बट ऐसा ही है। ठीक है, इसके अलावा एक और पेयर है इधर, ये देखो भाई अल्बाइनो का पेयर है। ठीक है, वाइट बुल और अल्बाइनो का पेयर है, अब देख लो इन्होंने भी अंडे दिए हुए इधर। तो गाइस, वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और देखते रहिए वाला बहुत। थैंक यू।